हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सर्कल एंड सेमी सर्कल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 14 मीटर। इसमें बोला गया है कि सर्कल का एरिया एंड सर्कमफ्रेंस फाइंड कीजिए जिसका डायमीटर 14 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें डायमीटर दे रखा है 14 मीटर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का आधा कर देंगे, तो 14/2 यह आ जाएगा 7 मीटर। तो इसका रेडियस आ गया 7 मीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर आया 7 मीटर, तो 7 × 7, एक 7 से 7 कट गया, तो 22 × 7 ये आ गया 154 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर दोनों सेम चीज़ होता है, जिसका फार्मूला होता है 2πr। तो 2 × π का मतलब 22/7, आर दे रखा है 7, तो 7 से 7 कट गया, तो बचा 2 × 22। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 44 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आ गया, 44 मीटर, और इसका एरिया आ गया 154 मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 7/2 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसमें सेमी सर्कल का रेडियस दे रखा है 7/2 सेंटीमीटर और सेमी सर्कल का एरिया एंड सर्कमफ्रेंस पूछा है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2πr², ये इसका फार्मूला होता है। तो 1/2 × π का वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है 7/2, तो 7/2 × 7/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 से 22 कट गया 11 टाइम्स में, और 7 से 7 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 11 × 7, और नीचे बचा 2 × 2, तो 4, तो 77/4 cm² एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर। तो पाई कितना है 22/7, और आर दे रखा है 7/2 सेंटीमीटर, तो 2 से कट गया 11/22, और 7 से 7 कट गया, तो क्या आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आ गया 11 सेंटीमीटर। आई होप आपको सर्कल एंड सेमी सर्कल दोनों सवाल अच्छे से समझ आ गया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।